हेलो फ्रेंड, माय सेल्फ अंकिता धीमर फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। नाउ नेक्स्ट थ्रेड प्ले। टेक अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, मेक डिफरेंट शेप बाय जॉइनिंग इट्स एंड ऑन दिस शीट। यहाँ पे हमें क्या करना है, थ्रेड मीन्स धागा, ओके। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग धागा लेना है हमें, अलग अलग से बनाना है, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ओके। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तक हमें 15 सेंटीमीटर थ्रेड बनाना है, कोई भी शेप हमें बनाना है, ओके। तो हम सपोज यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं थ्रेड की मदद से। तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से मोड़ा और उसका भी एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो 15 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर होगा ट्राइंगल, ओके। फिर हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, ओके। यहाँ पे हमें ट्राइंगल बनाया तो उसकी पेरीमीटर यानी साइड का हमें क्या करना है, एडिशन। तो पेरीमीटर यानी 5 + 5 + 5 क्या होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, ओके। उसकी बाउंड्री डेट इज पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। हमें सपोज पेंटागोन बनाया, ओके। तो पेंटागोन में हमें 3 सेंटीमीटर हमें उसकी साइड लेना है और हमें 3 + 3 + 3 + 3 + 3, ओके। धागे धागे से हमें पेंटागोन बनाया, 50 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी, ओके। तो उसकी साइड 3 मिलेगी, ओके। फिर हमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, उसी तरह से हम कर सकते हैं, ओके। आपको ये करना है धागे की, ओके, थ्रेड की मदद से आपको ये करना है, अलग अलग शेप बनाना है, ओके। फिर उसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। नेक्स्ट ए पार्ट, विच शेप हैज द बिगेस्ट एरिया, हाउ मच। तो हमें जो शेप बनाया उसका एरिया बताना है, बड़ा शेप होगा दैट मीन्स उसका एरिया हमें फाइंड करना है, ओके। तो हमें पेरीमीटर ऑफ द शेप क्या है, 15 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि हमें 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड दिया है। तो उसका एरिया भी क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द शेप 15 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज 15 सेंटीमीटर, ओके। ज्यादा शेप का एरिया भी 15 सेंटीमीटर होगा, ओके। बी पार्ट क्या है हमारा, विच शेप हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, हाउ मच, यस, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, ओके। यहाँ पे हमें शेप बनाया है उसका स्मॉलर एरिया क्या होगा, फिर उसका पेरीमीटर, शेप का पेरीमीटर क्या होगा, ये फाइंड करना है। ऑल्सो मेक अ ट्राइंगल, अ स्क्वेयर, अ रेक्टेंगल एंड अ सर्कल, फाइंड विच शेप हैज द बिगेस्ट एरिया एंड विच हैज द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे हमें पेरीमीटर या एरिया फाइंड करना है, कौन से शेप का एरिया ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा एरिया होगा, किसका कम एरिया होगा, ओके। तो आपको शेप 15 सेंटीमीटर धागे से बनाना है, फिर उसका एरिया यानी फाइंड करना है, ओके। कौन सा पेरीमीटर, इस शेप का पेरीमीटर आपको बताना है, पेरीमीटर यानी साइड का क्या करना है हमको, एडिशन करना है, और 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है थ्रेड, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सेव द बर्ड्स, ओके। हमें बर्ड को क्या करना है, बर्ड्स को सेव करना है, ओके। तो दे सो सेव द बर्ड्स नया टॉपिक है हमारा। देर आर टू ब्यूटीफुल लेक्स नियर अ विलेज, यहाँ पे क्या है, एक विलेज के पास टू ब्यूटीफुल लेक है, ओके। पीपल कम फॉर बोटिंग एंड पिकनिक इन वॉट द लेक्स, यहाँ पे पीपल बोटिंग एंड पिकनिक के लिए लेक में आते हैं।
The village panchayat is worried that with the noise of the boat, the birds will stop coming. यहाँ पे क्या है, विलेज पंचायत है, उसका जो हेड है वो परेशान है. क्यों परेशान है? परेशान बोट की आवाज से वहाँ बर्ड आना बंद कर देंगे, क्योंकि जो बोट की आवाज होती है उसके आवाज से यहाँ पे जो बर्ड लेक में आते हैं तो आना बंद कर दे, इसीलिए वो परेशान है. द पंचायत वॉन्ट्स मोटर बोट इट ओनली वन ले द अदर लेक विल बी सेव फॉर द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट. यहाँ पे क्या है, तो बोट के आवर से बर्ड भागने लगे हैं. पंचायत क्या चाह रही है कि जो वो मोटर बोट है वही वन लेक में चलाई जाए, दूसरे लेक में कोई भी मोटर बोट नहीं चलाई जाएगी, ओके. वन ही, कोई भी दो लेक में से वन ही लेक में मोटर बोट चलाई जाएगी, ओके. और दूसरी लेक में बर्ड्स पीसफुल नेस्ट बनाकर रह सकते हैं, ओके. यहाँ पे हमारा ए, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्रॉइंग डैश यू थ्रेड टू फाइंड आउट. यहाँ पे क्या करना है हमें, ड्राइंग लेग ए, लेग ए है उसकी हमें बाउंड्री कितनी लंबी है वो फाइंड करनी है. तो बाउंड्री को, ये बाउंड्री है ए लेग की, तो उसको हम स्केल का यूज कर सकते हैं, स्केल से वो पॉसिबल नहीं है, ओके. तो हमें किससे, किसका यूज करना है, थ्रेड यानी धागा का, ओके. यहाँ से धागा लगा, स्टार्ट किया, मुड़ किया, यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ओके. फिर हमको क्या करना है, फिर ये धागा को स्टेट करना है, फिर स्केल की मदद से हमें मेजर करेंगे, ओके. तो पता चल जाएगा ना कितनी लेंथ है, ओके. आपको भी ये करना है, ओके. नाउ डियर स्टूडेंट, आप धागों से ये कर सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से मुड़ मुड़ कर आपको करना है, धागा रखना है, फिर धागा को स्ट्रेट करना और स्केल की मदद से हम मेजर कर सकते हो, ओके. तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आया, ओके. आपको ये पार्ट है वो आपको करना है, ओके. इजी है. बी पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्रॉइंग. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी लेक है, उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, तो हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते है ना, तो हम धागे से करेंगे. ये पार्ट भी हमें किया था ना, इसी तरह यहाँ से हमें धागा स्टार्ट करना है, फिर मुड़ मुड़ के यहाँ तक, फिर हमें स्टेट करना है, फिर उसका मेजर स्केल की मदद से हम माप लेंगे, ओके. मेजर करना है, तो उसका आंसर क्या आया, आपको ये करना है, उसका आंसर 25 सेंटीमीटर होगा, ओके. नेक्स्ट पार्ट सी, हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए. यहाँ पे क्या है, एक्चुअल बाउंड्री कितनी होगी लेक ए की, ओके. तो ये हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमें मेंशन किया है 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ड्रॉइंग इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 किलोमीटर होगा. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है इक्वल टू 1 किलोमीटर होगा. यानी यहाँ पे पार्ट ए हमारा 30 सेंटीमीटर मिलेगा, तो 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 30 × 1 किलोमीटर क्या होगा, 30 किलोमीटर, ओके. यहाँ पे हमें ए की बाउंड्री 30 सेंटीमीटर मिली और बी की बाउंड्री 25 सेंटीमीटर हमें फाइंड की, ओके. तो यहाँ पे
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होगा। ओके, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, तो 30 × 1 किलोमीटर के तो 30 किलोमीटर होगा ना। ओके, इसी तरह हम बी लेग की बी लेग 25 सेंटीमीटर उसकी बाउंड्री है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 × 1 किलोमीटर यानी 25 × 1 होगा ना, और 25 × 1 25 होगा, 25 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे हियर द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, सो लेंथ ऑफ द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेग ए, लेग ए इक्वल टू 30 किलोमीटर होगा ना, लेग ए की बाउंड्री 30 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, डी, हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेग बी। हमें ए बाउंड्री कैसे फाइंड की, 30 सेंटीमीटर थी उसकी बाउंड्री, तो उसको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर × 1 किलोमीटर, तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है यानी 30 × 1 किलोमीटर हमें किए तो 30 किलोमीटर होगा। इसी तरह बाउंड्री ऑफ लेग बी, बी लेग में बाउंड्री 25 सेंटीमीटर है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 25 × 1 किलोमीटर इक्वल टू 25 किलोमीटर। हमें यहाँ पे बी लेग है उसकी एक्चुअल बाउंड्री पता करनी है, तो हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है, तो सो लेंथ ऑफ द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेग बी इक्वल टू 25 किलोमीटर। नेक्स्ट ई, अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेग विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग्स, सो विच लेग शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स, विच लेग शुड बी यूज फॉर बर्ड्स। यहाँ पे क्या है, जिसकी बाउंड्री ज्यादा बड़ी होगी लेग में, वो लेग में बर्ड्स के लिए ज्यादा अच्छी होगी। ओके, तो यहाँ पे बर्ड्स ज्यादा एग रख पाएंगे, तो यहाँ पे हमें लेग ए की बाउंड्री 30 किलोमीटर मिली। ओके, और बी की बाउंड्री 25 किलोमीटर मिली ना, हमें जस्ट फाइंड किया 30 किलोमीटर ए लेग और 35 किलोमीटर बी लेग की हमें बाउंड्री मिली, तो यहाँ पे इन दोनों में से किसकी बाउंड्री ज़्यादा है, ए की ना। ओके, यहाँ पे ए की बाउंड्री ज़्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, लेग ए बर्ड्स के लिए रखना चाहिए लेग ए, और लेग बी बोट के लिए रखना चाहिए। ओके, समझ में आया क्या है, यहाँ पे दोनों में से ए की बाउंड्री ज़्यादा है, तो ए लेग हमें बर्ड्स के लिए रखना चाहिए, और बी लेग हमें बोट के लिए रखना चाहिए। ओके, द बाउंड्री अराउंड द लेग ए इज मोर देन द बाउंड्री अराउंड द लेग बी, सो लेग ए शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स एंड लेग बी शुड बी यूज फॉर बर्ड्स। नाउ एफ पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ लेग बी ऑन द ड्रॉइंग इन द स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एक्चुअल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे हमें क्या करना है, लेग बी का एरिया बताना है, कैसे पता चलेगा, तो हमें बी का एरिया कैसे पता चलेगा, जितने स्क्वायर उतना एरिया, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें फर्स्ट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर मेंशन किया है, इसी तरह यहाँ पे वन स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर होगा,
ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर कट गए, कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पे हमें अमुक स्क्वायर कट गए हैं, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट स्क्वायर कितना है वो हमें बताना है। उसी तरह हम उसका एरिया पता चल गए। तो हमें कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं ये काउंट करें, उतना स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया होता है। ओके, तो यहाँ पे हम काउंट करें, हम ये स्क्वायर काउंट करें, कितने स्क्वायर कंप्लीट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं, 15। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर का एरिया हमें क्या मिला है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर का एरिया हमें 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ओके, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ये स्क्वायर है, 1 स्क्वायर यानी उसकी साइड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, उसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। तो साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी तरह 1 स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 15 स्क्वायर कंप्लीट है, तो हमें 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, समझ में आया। फिर हमें क्या करना है, हाफ से ज़्यादा कितने स्क्वायर है वो काउंट करना है। ओके, तो हम काउंट करें 1 से, हाफ से ज़्यादा कितने स्क्वायर है, तो यहाँ पे हाफ से ज़्यादा तो ये 1 होगा, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए आपसे ज़्यादा, 7, फिर यहाँ पे 8। ओके, तो आपको ये काउंट करना है आपसे ज़्यादा कितने स्क्वायर होगा। ओके, 8 स्क्वायर होगा। फिर क्या करना है हमको, उसके बाद हाफ से कम। ओके, वो हमें कितना मिलेगा, हाफ से कम यानी 1, 2, 1, 1, 2 and 3। ओके, 3 होगा ना, तो उसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हमें 15 कंप्लीट स्क्वायर मिले, फिर 8 हाफ से ज़्यादा, फिर क्या मिला, 3 स्क्वायर हाफ कम के हाफ से कम भी मिले। तो उसका हमें एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, 15 कंप्लीट है, 8 हाफ से ज़्यादा को हम कंप्लीट है 8 लिख सकते हैं। फिर क्या है, 3 स्क्वायर हाफ हाफ से कम, तो क्या होगा, 1 and 1/2 भी होगा ना। सपोज 1/2, 1/2, 1/2, 3 है ना, तो 1/2, 1/2, 1 कंप्लीट होता है, फिर 1/2। ओके, मालूम होगा ना आपको, 3 स्क्वायर हाफ यानी 1 स्क्वायर हाफ, 2 स्क्वायर हाफ, 3 स्क्वायर हाफ, 1/2, 1/2 यानी 1 होता है, 1/2, 1 and 1/2। तो उसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हमें उसका एडिशन करें, 15 plus 8 plus 3 into 1 into 1/2, तो कैसे करेंगे हम, 2, 1, 3, 1 into 2, 3, 3 into 1, 4, 4, 4 upon क्या होगा। नाउ यहाँ पे कंप्लीट कितने हैं, 15
15 प्लस 8 प्लस क्या है 3 हाफ इतने 1 हाफ सो 1 हाफ 3 बार है ना, तो उसको 1 एंड 1/2 यानी 2 1 2 प्लस 1 3 बाय 2। ओके हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाय 2, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं 3 डिवाइड बाय 2 तो क्या होगा 2 1 2 3 में से 2 1 होगा, ये क्या होगा हमें पॉइंट लिखना है और 0 मेंशन करना है। ओके 2 5 10 तो हमारा आंसर क्या आया 1.5 यानी हमें 15 प्लस 8 1.5 इसका हमें एडिशन करना है तीनों का। ओके 15 प्लस 8 प्लस 1.5 तो फर्स्ट हम 15 प्लस 8 का एडिशन करेंगे तो क्या होगा 15 प्लस 8 23। ओके प्लस 1.5 23 प्लस 1.5 उसका हमें एडिशन करना है तो हम कैसे करें 23। ओके फिर 1.5 यहाँ पे हम पॉइंट लिख के 0 लिख सकते हैं, 20 पर 0 यानी 20 होता है ना, 23 होता है। ओके फिर 1.5 दोनों का एडिशन करेंगे तो 0 प्लस 5 5 होगा पॉइंट, 3 प्लस 1 4 होगा 2 एजी जी, तो हमारा आंसर क्या है 24.5 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके इजी है, कुछ नहीं करना है, बी लेग है उसके हमें एरिया फाइंड करना है तो हमें 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके फिर हमें क्या करना है कॉम्प्लीट स्क्वायर हाफ से ज़्यादा हाफ से कम उसका हमें ऐड करना है तो हमको एरिया मिल जाएगा। ओके